फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गियर शाफ्ट की बार बाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियसली अगर आपने ब्रिज का मेरा प्लेलिस्ट देखा होगा तो हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक ब्रिज से रिलेटेड डिस्कस किया है। एबटमेंट शाफ्ट को डिस्कस कर लिया था, एबटमेंट कैप को भी डिस्कस कर लिया था, अभी हम लोग पियर शाफ्ट को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आपने जो सामने जो इमेज देख रहे हो ये एलिवेशन है पियर का। देखो आप, नीचे का जो फाउंडेशन है, बीच का शाफ्ट 1100, उसके बाद दोनों तरफ 1500। ये थिकनेस दी हुई है, ये 600 दी हुई है, उसके बाद यहाँ से तक दी हुई है 800। ओके, फिर पियर शाफ्ट की हाइट यहाँ से यहाँ तक दी हुई है बिलो एबटमेंट कैप 7719। एबटमेंट कैप की थिकनेस है 300, पेडस्टल है 210। उसके बाद से आप ये बियरिंग को छोड़ के उसके बाद से 1266 आपकी डॉट वॉल हो जाएगी। ये सामने आप एलिवेशन देख रहे हो। ओके, नेक्स्ट इमेज में देख रहे हो आप मेरा जो पियर है उसका प्लान है। आप देख लो सामने जो हमने 1500 1100 डिस्कस किया, ये सामने आप देख रहे हो, ये देख रहे हो ये सामने 4100 है, ये पोर्शन ये 4100 है। यहाँ देखो 4100 लिखा है, उसके ऊपर जो ये शाफ्ट है ये, फिर ये शाफ्ट है 1100 दिया है। ये जो इसकी लेंथ देख रहा हूँ, विड्थ देख रहा हूँ, ये 11 मीटर 100 है। यहाँ देखो 11 मीटर 100 हो गया। और अगर ये बोथ साइड का ये राउंड पोर्शन 500 हटा देते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ओके, आप सामने इमेज देख रहे हो, टोटल मेरी कितनी दी हुई है लेंथ, विड्थ दी है 11 मीटर 100, राउंड पोर्शन 500, तो 500 यानी कि 550 दी हुई है, यानी कि 1100 हमने माइनस कर लिया, 1 मीटर 100 माइनस किया तो कितनी बच रही बीच की, 10 मीटर। ओके, ये हमने प्लान डिस्कस कर लिया और उसके एलिवेशंस को डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं ये शाफ्ट है उसके बार डिटेल, रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ पियर शाफ्ट। ओके, यहाँ देखो आप सामने पियर शाफ्ट दिख रहा है। आप ये इमेज देखो, ये हो गया, ये मेरा ऐसे सपोज करो पियर शाफ्ट, सॉरी फिर से बताता हूँ, ये है और ये हो गया आपका पियर शाफ्ट। ओके, तो एक सेकेंड, हाँ ये मेरा पियर शाफ्ट हो गया। और इसमें ये आप सामने देख रहे हो, सॉरी ये आप देख रहे हो, इसमें देखो क्या दिया है, जो साइड की जो बार लगेगी ना, यहाँ ये जो साइड में बार लगेगी, ये बार हमारी गिवन है, यहाँ देखो 90 नंबर लगेगी 16 डाय की, ये जो 16 डाय की बार लगेगी और कितनी नंबर लगेगी, 90 नंबर, ये एज़ पर साइट है। ओके, वेरियस प्रोजेक्ट में डिफरेंस हो सकते हैं, 25 mm का भी हो सकता है या 20 mm का भी। ओके, अच्छा जो ये राउंड पोर्शन है, ये यहाँ हमारी जो बार लगेगी ये भी 16 डाय की लगेगी, लेकिन कितनी बीच लगेगी, 8 नंबर लगेगी और 16 की। ओके, इसमें जो ये जो वर्टिकल, इसमें जो लिंक लगेंगे, लिंक अल्टरनेट जो लिंक लगेंगे वो 46 नंबर लगेंगे 10 डाय के। ओके, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं, यहाँ देखो 46 नंबर 10 डाय लिंक एट एन अल्टरनेट नोट स्टगर्ड वर्टिकली एट द रेट ऑफ 200 सेंटर टू सेंटर। ओके, ये हमने देख लिया, राउंड पे लगेगा 8 नंबर 16 डाय का बोथ साइड, और जो बीच में लगेगा वो लगेगा 90 पीस 16 mm डाय का। ओके, अच्छा इसमें जो बाइंडर लगेगी, यहाँ आप देखो बाइंडर लगेगी वो 200 के स्पेसिंग पे 10 की बाइंडर लगेगी। सो फ्रेंड्स, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब ये जो वर्टिकल इसका हुआ, ये पियर जो फाउंडेशन होगा उसके बॉटम तक जाएगी और ऊपर कैप में जाके इंसर्ट होगी, एज पर जैसा हमने एबटमेंट शाफ्ट का हमने डिस्कस किया था। जैसे कि एबटमेंट शाफ्ट में डिस्कस किया, कैप से छोड़ करके टॉप से 150 माइनस होगा और इसके जो फाउंडेशन की जो बॉटम की बार होगी उसके उसमें टॉप के बॉटम बार के टॉप पे। ओके फ्रेंड्स, उस पर जाकर बंधेगा, ये होगा ये ऐसे होगा। और सपोज करो ये आपकी जो बॉटम की जो बार होगी, फाउंडेशन की बॉटम की बार, उस पर जाके ये टाई होगा, बोथ साइड से होगा,
इधर से भी ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। ओके मैं फिर से बनाता हूँ, ये सपोज कर लो ये बॉटम का बार है, ये आपकी शाफ्ट ऐसे आई, ये ऐसे होगा और इधर की शाफ्ट ऐसे आई और ये ऐसे होगा। ओके ये सपोज करो आपका कैप है, ये आपका कैप हो गया ये। तो कहना क्या चाहता हूँ, ये बॉटम है, बॉटम फाउंडेशन का जो बॉटम है ये आपका बॉटम है। ओके आप अगर पियर शाफ्ट का फाउंडेशन की देखे होगा ड्राइंग, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा तो ये हो गया, यहाँ ये टाई हो गया और उसके बाद से ये कैप है, वहाँ से 150 नीचे करके, 150 नीचे या कैप में जाकर के इंसर्ट होगा। जो कैप मेरा कितने का, 300 का कैप है, वो इसमें इंसर्ट होगा। इसी में से आपको क्लियर हो गया होगा, ये नीचे इसका कवर होगा, कवर माइनस कर देंगे 75 mm और इसका फिर ये 150 माइनस कर देंगे, उसके हिसाब से ये इसकी वर्टिकल लेंथ क्या होगी कैलकुलेट हो जाएगी। ओके ये जो एल है ये हमारे DPR में गिवन है 500 BBS में और ये जो है ये 300 है। ओके सो फ्रेंड्स इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने शाफ्ट की पियर कैप पियर फाउंडेशन से पियर शाफ्ट के बारे में डिस्कस किया, उसके प्लान एलिवेशन ड्राइंग BBS के बारे में डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वीडियो।